आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 2023 वर्ल्ड कप खेलने से पहले अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी शुरू कर दी, किस तरह सब खिलाड़ियों ने स्टेडियम के ग्राउंड में नमाज अदा की और वर्ल्ड कप जीतने की दुआएं मांगी, और साथ ही साथ बाबर आजम ने क्या अहम ऐलान किया बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 14 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल मैच है और ये मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने स्टेडियम के ग्राउंड में नमाज अदा की और अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। कप्तान बाबर आजम का कहना था कि हम पाक भारत में गलतियां कम करेंगे और हमारी कोशिश ये है कि हम बैटिंग और बॉलिंग में इंतहाई अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और साथ ही साथ इस मैच को हम खूब इंजॉय भी करेंगे और अल्लाह ताला जो चाहेगा वही होगा और पूरे पाकिस्तान की दुआएं हमारे साथ हैं। तो आप सब पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए एक्साइटेड हैं और वर्ल्ड कप कौन जीतेगा हमें कमेंट्स में अपने कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।